हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीआरएक्स अरविंद चौहान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ मॉइस्चर बैलेंस। मॉइस्चर बैलेंस का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं, इन फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो आईपीक्यूएम में यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा बैलेंस, बैलेंस का जो हमारा ये स्प्रिट लेवल चेक करते हैं। सबसे पहले बैलेंस का लेवल ओके है कि नहीं है, तो इसके लिए तो हमारा एक होता है स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल मीटर लेते हैं, एक तो हमारा अलग से भी आते हैं स्प्रिट लेवल मीटर, और हमारा दूसरा एक बैलेंस में भी अटैच होते हैं। अगर बैलेंस में अटैच है तो हमारा अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसी में हम देख लेते हैं बैलेंस का लेवल ओके है कि नहीं है। बैलेंस के लेवल में एक होता है, ये बैलेंस में जो होता है इसमें एक होता है बबल्स टाइप में, एयर बबल होते हैं, एयर बबल होते हैं। एयर बबल जो हमारा ये होता है ये मीडियम में होना चाहिए। अगर मीडियम में है तो समझ लो हमारा बैलेंस का जो लेवल है वो ओके है। अगर हमारा जो साइड साइड में अगर मिडिल से जो बाहर को जा रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, तो समझ लो ओके नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये मिडिल में होना चाहिए, ये मिडिल में होना चाहिए। जब मिडिल में होगा तो हमारा स्पीड लेवल ओके होगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंस का लेवल। अब दूसरा हमारा जो होता है इसमें वेट का कैलिब्रेशन, दूसरा जो कैलिब्रेशन होता है वेट का कैलिब्रेशन करते हैं। वेट का कैलिब्रेशन हम इसमें तो सबसे पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड वेट लेते हैं, स्टैंडर्ड वेट। स्टैंडर्ड वेट लेते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें हम 5 स्टैंडर्ड वेट लेते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, 1 ग्राम रखेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर 2 ग्राम रखेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे, हमारा कितना आ रहा है ऑब्जर्व करके हम नोट करेंगे। इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होती है 0.1% होते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड वेट रखेंगे उसके 0.1% होंगे। अगर 0.1% के अंडर में आ रहा है, मतलब लिमिट में है, तो हमारा वेट का कैलिब्रेशन डन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेट कैलिब्रेशन। अब तीसरा इसमें आता है मॉइस्चर के लिए, मॉइस्चर कैलिब्रेशन। मॉइस्चर कैलिब्रेशन के हम लेते हैं डाई सोडियम टार्ट्रेट, डाई सोडियम टार्ट्रेट, डाई सोडियम टार्ट्रेट हम लेंगे 5 टाइम लेते हैं, 5 टाइम, 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम डाई सोडियम टार्ट्रेट, 1 ग्राम 5 टाइम लेंगे, 1 ग्राम रखेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे, उसका एलओडी ऑब्जर्व करेंगे कितना आ रहा है, और उसके बाद ऐसे करके हम 5 बार लेते हैं। और ये जो हमारा लिमिट होता है एलओडी का लिमिट जो होता है, एलओडी लिमिट ये होता है 15.6 से 15.8 से 15.8
8 के बीच में हमारा एलओडी होता है। अगर 15.6 से 15.8 के बीच में हमारा एलओडी आ रहा है तो कैलिब्रेशन ओके है। अगर इतना नहीं आ रहा है 15.6 से 15.8 के बीच में तो हमारा कैलिब्रेशन ओके नहीं है। तो ये हो गया हमारा मॉइस्चर बैलेंस का कैलिब्रेशन। आज के लिए बस इतना, बस अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।